हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम हमारे रिपीट बटन को फंक्शनैलिटी देंगे, एज वेल एज हम हमारे प्लेयर पे एक सेट ऑन कम्प्लीशन लिसनर सेट करेंगे, विच मीन्स जब हमारा प्लेयर यहाँ पे एंड में आ चुका होगा उस समय हमारा प्लेयर क्या करना चाहिए वो हम इस वीडियो में उसे बताने वाले हैं, विच मीन्स नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होना चाहिए। एंड अनदर थिंग, ये जो बैकग्राउंड था हमारे प्लेयर का लास्ट वीडियो में थोड़ा सा वाइट दिख रहा था, सो मैं इसे ब्लैक करने वाला हूँ। एंड लेट जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले इस बैकग्राउंड को ब्लैक करते हैं। सो सिंपली बैकग्राउंड एंड ब्लैक, ओके, सो बैकग्राउंड विल बी ब्लैक। एंड हमें इसे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है इस रिपीट को, सो सबसे पहले इस रिपीट को एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। सो आईडी एंड रिपीट बटन, एंड नाउ प्लेयर एक्टिविटी में आ जाते हैं। एंड सबसे पहले हमारे ऑन कम्प्लीशनल लिसनर सेट करते, सो सिंपली गो डाउन एंड वो ऑन कम्प्लीशन लिसनर मैं इनिशियलाइज बाइंडिंग के अंदर सेट करना चाहता हूँ। सो जब स्टार्ट हो यहाँ पे एंड सिंपली प्लेयर, जो भी प्लेयर है, सिंपल एक्सो प्लेयर डॉट एड लिसनर, एंड यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा विच इज ऑफ टाइप प्लेयर एक्सो प्लेयर डॉट लिसनर एंड जस्ट यूज कर्ली ब्रेसेस। एंड इसके अंदर हमें एक फंक्शन ओवरराइड करना है, सो ऑन प्लेबैक स्टेट चेंज्ड। सो जब प्लेबैक स्टेट चेंज होगा तो ये फंक्शन हमें बताएगा, विच मीन्स इफ प्लेबैक स्टेट इज इक्वल टू प्लेयर डॉट स्टेट एंडेड। ये स्टेट सिर्फ तभी होगा जब प्लेयर एंडिंग में पहुंच चुका होगा, विच मीन्स वो अपनी पूरी ड्यूरेशन कंप्लीट कर चुका होगा। सो हम चाहते हैं उस समय नेक्स्ट प्रीव सॉन्ग, एंड इससे हमारा नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होना शुरू हो जाएगा। एंड ये फंक्शन हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में क्रिएट कर रखा है, सो यू कैन चेक हियर दिस नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग, ओके। सो एंड नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें हमारे रिपीट बटन को फंक्शनैलिटी देनी है। सो बाइंडिंग डॉट रिपीट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड सबसे पहले मैं एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, विच मीन्स एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनोगा यहाँ पे, वेयर और वो होगा रिपीट रिपीट एंड विच इज ऑफ टाइप बूलियन, एंड बाय डिफॉल्ट रिपीट मैं फॉल्स रखने वाला हूँ। एंड जस्ट नीचे आ जाओ एंड हियर इफ रिपीट, अगर रिपीट ट्रू है तो उसे ऑफ कर दो, एंड अगर रिपीट ऑफ है तो उसे ट्रू कर दो। सो एल्स, सो यहाँ पे हम लोग रिपीट ऑफ करना चाहते हैं जब ट्रू होगा तो। सो सबसे पहले रिपीट इज इक्वल टू फॉल्स, एंड आफ्टर दैट प्लेयर डॉट रिपीट मोड एंड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग रिपीट मोड सेट कर सकते हैं। सो सिंपली सो प्लेयर डॉट एंड हियर जस्ट सिलेक्ट रिपीट ऑफ, एंड इससे हमारा रिपीट ऑफ हो जाएगा। अब हमें सिर्फ वो आइकन चेंज करनी है। सो बाइंडिंग डॉट रिपीट बटन डॉट सेट इमेज रिसोर्स एंड आर डॉट ड्रॉएबल डॉट रिपीट ऑफ एक्सो प्लेयर कंट्रोल्स, एंड जस्ट कॉपी दिस कोड्स एंड पेस्ट इट डाउन, एंड यहाँ पे इसे मैं ट्रू करना चाहता हूँ। सो simply true, and after that यहाँ पे repeat one, which means हम लोग एक ही song को बार बार repeat करना चाहते हैं, and यहाँ पे repeat all, just select this one, and इससे हमारा repeat button का work भी हो जाएगा। and एक और issue है कि जब हम लोग अगर next and previous पे click करेंगे and repeat on भी होगा, उसके बावजूद भी हम लोग आगे पीछे कर पाएंगे, and मैं ये नहीं चाहता कि next and previous पे click करने से video change हो अगर रिपीट ऑन हो तो। सो यहाँ पे मैं हमारे सेट पोजीशन के अंदर एक कंडीशन लिखने वाला हूँ, सो मैं इसे कट कर लेता हूँ कोड को यहाँ से, एंड यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूँगा इफ नॉट रिपीट। सो अगर रिपीट ट्रू नहीं है तो ही पोजीशन चेंज होनी चाहिए, विच मीन्स नेक्स्ट एंड प्रीवियस होना चाहिए, एंड इससे हमारा वर्क हो जाएगा। सो नाउ लेट्स रन आवर एप्लीकेशन एंड चेक वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुके हैं। लेट्स से मैं कोई वीडियो प्ले करके देखता हूँ, एंड मैं एक बार रिपीट फंक्शनैलिटी को चेक कर लेता हूँ। सो मैं रिपीट को अगर ऑन करूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँ, सो आप चेक करोगे वो सेम वीडियो अगेन प्ले हो रहा है,
एंड अगेन इफ आई क्लिक देन सेम वीडियो इज प्लेइंग. सो अगर मैं रिपीट को ऑफ करूँ एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँ, सो नेक्स्ट वीडियो प्ले होता है. एंड नाउ लेट्स चेक वो हमारा ऑन कम्प्लीशन लिसनर वाली फंक्शनैलिटी. सो अगर मैं एंड में आता हूँ तो आप देखोगे वीडियो शिफ्ट नहीं हो रहा. अब ऐसा क्यों हो रहा है? सो लेट्स से एक बार बैक करते हैं एंड कोई दूसरा वीडियो प्ले करके देखते हैं एंड अगेन एंड में आते एंड यू विल चेक अगेन वीडियो. ओके, सो इस टाइम वीडियो शिफ्ट हो रहा है. एंड अगर मैं इस पर एंड में करता हूँ तो आप देखोगे वीडियो शिफ्ट नहीं हो रहा, विच मीन्स वीडियो एक बार शिफ्ट हो रहा है, नेक्स्ट टाइम में शिफ्ट नहीं हो रहा. सो उसके लिए हम हमारे कोड्स में आ जाते हैं एंड यहाँ से मैं इस कोड को कट करने वाला हूँ एंड मैं इसे क्रिएट मीडिया प्लेयर फंक्शन के अंदर लिखने वाला हूँ जहाँ पे हम लोग इसे क्रिएट कर रहे हैं एंड जस्ट पेस्ट इट हियर. सो इसे हर बार हर प्लेयर पे लिसनर सेट हो जाएगा. यहाँ पे मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, ट्राई प्लेयर डॉट रिलीज एंड कैच ई कोलन एक्सेप्शन एंड दिस कॉटलिन वन एंड डू नथिंग. सो ये मैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पॉसिबल है कि प्लेयर पहले क्रिएटेड हो. सो मैं उसके सारे रिसोर्सेस रिलीज करना चाहता हूँ एंड हाई चांसेस है कि वो क्रिएटेड ना हो तो ऐप क्रैश हो जाए, इसलिए मैंने इसे ट्राई एंड कैच के अंदर लिखा है. एंड नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन. एंड अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सो ऐप इंस्टॉल हो चुकी है. एंड अगर मैं कोई वीडियो प्ले करता हूँ, लेट्स से दिस वन एंड दिस एंड, एंड आप ऑब्जर्व करोगे प्लेयर शिफ्ट होता है. एंड अगर मैं इसके एंड में आऊँ तो ओके, दिस टाइम ऑल्सो प्लेयर शिफ्ट, विच मीन्स हमारा ऑन कम्प्लीट का जो फंक्शनैलिटी है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रही है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.